बेसिकली हमारा ग्रुप जो है पानीपत हरियाणा से है, हमारे 4 फीड प्लांट हैं इंडिया में। एक फीड प्लांट हमारा पानीपत में है, एक जयपुर में है, एक प्रयागराज में है, एक गुवाहाटी में है। हमारा अपना प्रोसेसिंग का यूनिट भी है पानीपत में ही, और 1.5 लाख ब्रीडर है अपने पास। कुछ और सेगमेंट में भी हम गए हैं, जैसे ऑक्सो थर्मो पैक के नाम से हमारा एक थर्मो पैकेजिंग यूनिट है, प्लास्टिक मोल्डिंग की 2 यूनिट हमारी हैं रुड़की में, बाकी अब एक नया यूनिट टेक्सटाइल में ब्लैंकेट का उन्नत ग्रुप का आया है, 12.5 एकड़ में प्लांट है वो, बस चल रहा अच्छा है बढ़िया। बाकी गुवाहाटी में, गुवाहाटी में हमारा प्लांट ब्रह्मपुत्र पार्क के पास गोरीपुर में है, 2011 से हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था, तो अच्छा चल रहा है फर्स्ट क्लास। बस ईयर एंड ईयर तो 92 से हमने पोल्ट्री फार्म से शुरुआत किया था, तो आज अच्छा वो है 10 लाख का अपना ब्रॉयलर फार्मिंग है खुद की, कुछ इंटीग्रेशन 5-6 लाख बर्ड का, बाकी ठीक है ग्रोथ तो ओवरऑल बढ़िया है। अभी 2-3 साल से थोड़ा ये भाई कोरोना के उससे तो इसमें थोड़ा रुका है, तो दूसरी जगह कुछ इन्वेस्टमेंट किया। फ्यूचर में अभी ब्रॉयलर फार्मिंग को बढ़ाने का ही, अपनी ओन ब्रॉयलर फार्मिंग को बढ़ाने का ही वो है, बाकी अभी फीड मिल में या उसमें तो और ज़्यादा नहीं कुछ वो करने का, तो कुछ ब्रीडिंग और कुछ ब्रॉयलर फार्मिंग आगे बढ़ाने का अपना। करंट सिचुएशन अभी 2-3 साल से कोरोना की वजह से काफ़ी डीप था, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बाकी अभी मेरे ख्याल में जो प्रोडक्ट दो अपना ये कंजप्शन था कोरोना से पहले, उसको अभी आने में, अभी भी पूरा कंजप्शन आने में मेरे ख्याल में 1.5 साल लग जाएगा, कि जिस हिसाब से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है 2-3 साल पहले से, 3 साल अभी तक तो वो भी पूरा कैपेसिटी में नहीं चला है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और लगता है कि 1 साल के अंदर तकरीबन हम दोबारा से फिर उस पर पहुँच जाएंगे और आगे बढ़ेगा। बाकी पोल्ट्री का भविष्य तो ठीक है ही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दिन पर दिन कंजप्शन तो बढ़ता ही जा ही रहा है, पहले बीच में कोरोना की उससे टूटा, लेकिन आगे कवर हो जाएगा कोई अच्छी बात क्या। इसको पूरा कंजप्शन आने में जो कोरोना है तकरीबन लगेगा अभी 1 साल का वक्त और लग जाएगा, हो सकता 6 महीने में कवर कर जाएं, जैसे जैसे काम निकल रहे हैं, तो वैसे भी काम स्लो हैं सारे ही, तो जैसे जैसे काम निकलेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली ये वो खाएंगे रुक करेंगे तो बढ़ेगा काम। हाँ, नॉर्थ ईस्ट अच्छा ग्रो कर रहा है, और मतलब अब जो ग्रोथ है फार्मर की तो ठीक अच्छा ग्रोथ हो रहा है, फार्मर भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे, छोटे फार्मर छोटी है, साइज भले ही छोटा है यहाँ पे 2000-1500 बर्ड का है, लेकिन अच्छा है, और काम तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, इसमें तो कोई दायरे अच्छा होगा काम तो। अच्छा मतलब एक इवेंट करने की कोशिश की है तेजस्वी ग्रुप ने, तो अच्छा है क्योंकि अभी तक इतने कोई भी शो इंडिया में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है कोरोना के बाद, अभी 22-23 सितंबर में, नवंबर में अपना हैदराबाद में भी आने लग रहा है, लेकिन ये इन्होंने अच्छी इंसेंटिव लिया है कि इतना डाउनफॉल होते हुए भी यहाँ पे इन्होंने इसको किया, तो आने वाले टाइम में जो नॉर्थ ईस्ट में फार्मर हैं हुए हैं तो उसका अच्छा बेनिफिट फार्मर को मिलेगा, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है जो देखेंगे उसको फिर अपने काम के हिसाब से लागू करेंगे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, और फार्मर भी छोटे हैं कहीं जाके, अब और इंडिया में तो क्या है कि एग्जीबिशन कहीं ना कहीं होता रहता है, और फार्मर भी बड़े फार्मर हैं तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में फार्मर छोटा है तो उसको थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिला है, क्योंकि यहाँ से जा नहीं सकता कहीं और देखने, तो यहाँ पर हुआ है तो अच्छा हो रहेगा, उसके लिए सारी चीज़ें देखेगा, चाहे फीडिंग ड्रिंकिंग सिस्टम है, चाहे इन्वायरमेंट कंट्रोल है, चाहे लेयर केजेज हैं, चाहे फीड मिल मशीनरी है, चाहे मेडिसिन का, तो लोगों में जागरूकता तो आएगी और उसका बेनिफिट उनको मिलेगा।